अंजना थान की किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ ग्रीन सैलेड, सैलेड या सलाड आप जो भी बोल सकते हो उसको। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने मिंट लीव्स लिए हुए यानी पुदीना, फिर यहाँ पे पार्सली है, कुकुम्बर है, फिर लेटिस है और ये जर्जील के लीव्स है। इधर इसको यूएई में जर्जील बोलते हैं या आप इसको रॉकेट या रोका लीव्स, कहीं पे इसको रोका बोलते हैं कहीं पे रॉकेट भी, तो ये ऐसा दिखता है। तो मैंने ये लिया है और चलिए तो फिर अभी बनाते हैं ग्रीन सैलेड। सबसे पहले इन सारी पत्तियों को और कुकुम्बर को, सारी मतलब जो भी सब्जियां हैं और लीव्स हैं, उसको अच्छे से हम धो लेंगे। अगर हो सके तो आप इसको अगर चिल्ड वाटर से, मतलब ठंडा पानी अगर होगा उससे आप इसको धोएंगे तो ये ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लेटेस ये ऑलरेडी धोया हुआ है, ये इसको आप सुनेंगे ना, ये देखिए कितना क्रंची है। मैंने इसको एकदम ठंडे पानी से धोया है, तो अगर हो सके तो आप वो यूज़ कीजिए ठंडा पानी, तो वैसे के वैसे ही एकदम ग्रीन कलर इसका मेंटेन होगा और एकदम मस्त क्रंच भी आएगा। इन सब को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अभी आप देख सकते हो उसका कलर भी एकदम मस्त ग्रीन हो गया है और ये अभी भी क्रिस्पी, मतलब जो क्रंच होता है ना वो है। अगर आप गर्म पानी से धोओगे तो वो सिकुड़ जाएंगे, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो अगर आपके पास चिल्ड वाटर नहीं है तो आप कर सकते हैं कि नॉर्मल गर्म पानी से धो ले। उसके बाद मैंने अभी जो किया है कि जो फ्रिज का पानी होता है, हमारे बॉटल्स लगे रहते हैं, वो लेके आप थोड़ा सा अच्छे से वॉश करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी आप उसमें छिड़क दीजिए या ड्रिजल कर दीजिए, तो वो अपना कलर भी मेंटेन करेगा, शेप भी मेंटेन करेगा। अभी इन सब सब्जियों को हम अच्छे से चॉप कर लेंगे या फिर जो भी आपको पसंद है, जैसे क्यूकम्बर के आप स्लाइसेस भी कर सकते हो, डाइसेस भी कर सकते हो, जो भी मतलब आपको अच्छा लगना चाहिए वैसे आप इनको काट लीजिए। सैलेड अच्छे से चॉप हो गया है, अभी हम इसको असेंबल करेंगे। सबसे पहले एक बाउल में हम लेटिस डालेंगे, फिर उसके बाद मैं मिंट ऐड कर रही हूँ, पुदीना, देन ये जलजीर की भाजी। मतलब आप ऐसा जरूरी नहीं है ये सलाद बनाने के लिए कि ये सारी चीजें होनी ही चाहिए, अगर नहीं है तो कोई भी आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, अगर दो ही लीव्स है तो उसे भी बना सकते हो आप। इसके बाद मैं पार्सली डाल रही हूँ, आप इसमें चाहे तो पालक भी ऐड कर सकते हो या फिर डिल की भाजी, जो सुआ की भाजी बोलते हैं ना, वो भी आप ऐड कर सकते हो। फिर इसमें क्यूकुम्बर ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अभी हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे। जनरली मुझे ये ड्रेसिंग पसंद है तो मैं ये कर रही हूँ, आपको जो भी चाहे वो आप ऐड कर सकते हो। सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे हम, उसके बाद कोसली ग्राइंड किया हुआ थोड़ा सा पेपर है, ब्लैक पेपर, वो मैं डाल दूंगी, थोड़े से तिल, सेसमी सीड्स, आप चाहे तो इसकी जगह अगर अवेलेबल है तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, या अगर इसको ज्यादा हेल्दी बनाना है तो आप कीनवा भी ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं ये तिल ऐड कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छा क्रंच आता है ये सलाद में। फिर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल करेंगे, 1.5 टीस्पून जितना। लास्टली थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना लेमन जूस, या आपके टेस्ट के मुताबिक आप उसको ऐड कर दें। इन सबको हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हर जगह पे ड्रेसिंग इसका अब्जॉर्ब हो जाए, ये अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। ये वाकई में बहुत टेस्टी होता है, आप ट्राई कीजिए कभी। मतलब आप ऐसी तरह से, इस तरह से अगर सैलेड्स रोज रोज कोई अलग अलग तरीके से बनाएंगे ना, तो आपको सैलेड से प्यार हो जाएगा। ये नहीं है कि सैलेड सिर्फ डाइट में इस्तेमाल होता है, वो आपका एक स्टेपल हो जाएगा कि मतलब आपको ये खाना ही है, इसे प्यार हो जाएगा वैसा वाला। तो दोस्तों रेडी है ग्रीन सैलेड, गर्मा गर्म नहीं बट एकदम चिलम चिल्ड। आप भी ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।